जैन जय भारत। तो हम पहुंच चुके हैं शांति कुंज में। तो यहाँ पर हमने नाइट स्टे करी है, क्योंकि ये जो उसकी लोकेशन आपको मैं बता देता हूँ, ये हरिद्वार घाट से 10 किलोमीटर दूर है। आप किसी से ही पूछ सकते हैं कि ये बहुत प्रसिद्ध जगह है। और यहाँ पर भाई कम से कम मुझे लगता है कि यहाँ पे दिन में लाखों लोग आते हैं रुकने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर यहाँ पे आप सपोज करो आप हमारी तरह ब्लॉगिंग कर रहे हो, फ्री ब्लॉगिंग कर रहे हो और ऑल इंडिया घूमना चाहते हो, तो ऐसी जगह आप रुक सकते हो। सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर नाइट स्टे कर सकते हैं आप। आपको क्या करना है, 100 रुपीज़ आपको जमा करने पड़ेंगे रजाई गद्दे के लिए, ठीक है। और मॉर्निंग में जाकर अगर आप जाना चाहते हो तो 5 रुपये उन्हें देकर आना और आपके 100 रुपीज़ वापस हो जाएंगे, समझिए। तो फिर खाने की बात करते हैं। नाइट में हमने खाना खाया था, हमें मिली थी खिचड़ी, दाल, छाछ और आलू की सब्ज़ी, ठीक है। और सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट है फंडा, मुझे क्या लगता है कि यहाँ पर जो आई थिंक आपने खाया जो गुरुद्वारे में करता है कि आपने खा के बर्तन धोने होते हैं, बहुत प्यारा लगा। और यहाँ पर इतनी शांति है क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, आई थिंक जो ये शांति बहुत बड़ा, इतना बड़ा है कि भाई आप घूमते घूमते पागल हो जाओगे। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, आई थिंक विज्ञान से रिलेटेड पेड़ पौधों की, यहाँ एक से एक सब ए टू जेड पेड़ पौधे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और यहाँ का फंडा मुझे बस यही आपको बताना चाहता था कि अगर आप कहीं हरिद्वार में फंस जाते हैं और आपके पास पैसे नहीं होते हैं और आप चाहते हैं कि मिनिमम बजट पर आप कहीं इससे करें और आपको खाने के लिए मिल जाए, सोने के लिए मिल जाए और रहने के लिए अच्छा, ये नहीं कि बस हमें होल मिला था। देखो यहाँ रूम भी मिल सकते हैं, क्योंकि हम लेट हो गए थे। और यहाँ देखिए लोगों की कितनी भीड़ है, और मेरे पीछे देखिए। और जस्ट हम निकलने वाले हैं अब ऋषिकेश के लिए, हम मॉर्निंग में जस्ट टाइम हो रहा है 7:15, चलते हो तो आप यहाँ आई थिंक आना कभी आपको मौका मिले तो, बहुत शांति वाली जगह है ये। सुबह का जो आपको माहौल मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, लोग गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं और यहाँ पे मतलब कि इतने लोग मिलेंगे वही आपको भाई, आप बहुत ज़्यादा इतनी भीड़ है यहाँ पर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर इतनी शांति है कि अगर आप आते हो तो घुल मिल जाओगे इस बस्ती में शांति की। यज्ञशाला प्रवेश द्वार शांति कुंज आश्रमवासी, न्यूजीलैंड, वाओ। फिजी से बट न्यूजीलैंड में, वहाँ से मैं साधना करने मुनस्यारी गई थी। मुनस्यारी भी इनका है साधना केंद्र, 2 दिन लगता है जाने को। बिल्कुल, मैं दिल्ली का साधना। हाँ जी। तो यहाँ पर जिसका बुलावा आता है वो ही जा सकते हैं। तो हमारे न्यूजीलैंड में भी बहुत गायत्री की, आप न्यूजीलैंड से बताओ, क्योंकि 150 हमारे एंसेस्टर्स यहाँ से गए थे ना, तो कल्चर और सब कुछ ले कर गए थे, तो वेरी स्ट्रिक्टेड अपब्रिंकिंग, सो वी हैड ऑल दैट कल्चर इंटैक्ट एंड टुडे कनेक्टेड टू गुरुदेव, जस्ट थिंक ऑफ दैट। वाओ, न्यूजीलैंड टू इंडिया, एंड दिस इज माय फिफ्थ ट्रिप। कहाँ कहाँ घूम चुके आप? मैं तो वैसे सोचूं तो दुनिया में मलेशिया, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब ना, फिजी तो आना कई बार। गुरुदेव की साधना इट्स ऑलवेज अ टेस्टिंग टाइम, व्हेन आई वाज ओनली 8 years old, इमेजिन वी वर ऑल हैविंग दिस। और जस्ट आपने अभी देखा कि हमने एक लेडीज से बातें करी, वो नीदरलैंड से आपको अपना बता रही थी अपने आप को, और वो नीदरलैंड से इंडिया कनेक्टेड है और उन्होंने यहाँ के बारे में बहुत कुछ बताया। और वाकई में बहुत अच्छा लगा कि भाई नीदरलैंड से इंडिया में यहाँ पे इस चीज़ के लिए आ रहे हैं। अच्छी बात है क्योंकि वो उनकी श्रद्धा है और श्रद्धा का दिल से सम्मान है। और यहाँ पे देखिए मेरे पीछे, अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो अंग्रेज है, आई थिंक मैं इनका वेरीफाई नहीं कर सकता कि ये कहाँ से है, जस्ट देख सकते हैं आप यहाँ पे, यहाँ अंग्रेज भी आपको मिल जाएंगे, इंग्लिश मैन ना, इंग्लिश लेडीज। तो यहाँ के बारे में भाई यही है कि शांति बहुत है यहाँ से, यहाँ पे आपको कुछ नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है, आप बस आप अंदर आइए, रहिए, खाइए और आप जितने दिन यहाँ स्टे करना चाहते हैं वो प्रक्रिया बता देता हूँ स्टे करने की आपको। तो दोस्तों यहाँ पे आने के लिए आपको कुछ कंडीशन अप्लाई है, ठीक है। तो सबसे पहले आप कभी भी यहाँ पे आओ तो आपकी जेब में आधार कार्ड होना ज़रूरी है, ठीक है। आधार कार्ड होना, आपको एंट्री पास मिल जाएगा आधार कार्ड से, वहाँ से आपका आधार कार्ड से आपका नंबर लिखा जाएगा, आपका एड्रेस लिखा जाएगा और आपसे फ़ोन नंबर पूछा जाएगा। ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, आपको वहाँ रुकना है, कितने टाइम के लिए रुकना है, तो उसके लिए फॉर्म अंदर आके आपको मिल जाएगा। आप किसी से ही पूछ सकते हैं कि हमें रूम चाहिए, ठीक है। तो एक फॉर्म मिलेगा, उसके अंदर आपका पूरा बायोडाटा होगा और जैसे कि सब कुछ, मेरा एड्रेस पूछा गया, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, मेरी एज पूछी गई, मेरा
एजुकेशन पूछेगा कि कितनी योग्यता है, तो वो सब कुछ फिल करने के बाद आपको एक उसकी उस फॉर्म के पीछे कितने मेंबर हैं, जैसे कि मेरे पास 2 मेंबर थे तो उनका नाम होगा, उनकी एज होगी और उनका मोबाइल नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो फॉर्म आप वापस दे देना उन्हें, तो आपको एक टोकन देंगे वो, उस टोकन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या करेंगे वो, अगर रूम अवेलेबल होगा तो आपको रूम मिल जाएगा, और नहीं होगा तो आपको भाई हॉल में रहना पड़ेगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइम आ रहे हैं, क्योंकि हम लेट आए थे तो हमें हॉल मिला था, हॉल में बहुत मज़ा आया, बहुत खुली जगह थी, सब लोग, और यहाँ पे कोई ऐसा डर नहीं है कि चोरी चारी का कुछ भी डर नहीं, लोग अपने आप में मगन रहते हैं, हम बेफिक्र होकर सो गए थे, ठीक है। टोकन के बाद आपको रूम मिल जाएगा, उसके बाद अगर आपको जैसे कि थोड़ा मौसम यहाँ पे ठंडा है तो आपको कुछ रजाई गद्दा चाहिए, तो आपको 100 रुपये जमा करके कितना भी आप रजाई गद्दा लिखा सकते हैं, और वो आपको जब मॉर्निंग में अगर निकलते हो, तो जैसे कि हम मॉर्निंग में निकल गए तो अरे कोई ठोकर तो जैसे कि मॉर्निंग में निकल गए हैं तो भाई हमने सुबह उन्हें रजाई गद्दा वापस करा और उन्होंने हमें वापस कर दी 100 रुपये रिटर्न, 5-5 रुपये लिए बस 15 रुपये, ठीक है। तो ये प्रोसेस है यहाँ पे आने का और रुकने का, और खाने में तो आपको सामने को 8:30 बजे तक था वहाँ पे, तो वो मिलेगा आपको, अच्छा था वहाँ पे खाना। मॉर्निंग में हम कुछ लेके नहीं आए क्योंकि हमें निकलना है भाई नीलकंठ।